भारी होगी, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। मित्रों, अब मित्रों सुनने से डर लगता है, लेकिन फिर भी मित्रों मित्रों ही रहता है, चाहे वो किसी सरकार में हो। बड़ी उम्मीदें, बड़ी आस लेकर आज बंबई वालों ने अखिलेश जी यादव को बुलाया है। हम बंबई वाले शुक्रगुजार हैं अबू आसिम आजमी साहब के और समाजवादी पार्टी के कि वो अखिलियतों का मसीहा, जिसे देखने के लिए हम पूरी बंबई वाले बड़ी देर से आस लगाए थे, आज वो हमारे मंच पे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जितनी तकरीरें हुई, सब ने अबू आसिम आजमी साहब के जज्बे की अलग अलग कहानी आपके सामने रखी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जो दुश्मनों की, फिरका परस्त ताकतों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, उस शख्स का नाम है जनाबे अबू आसिम आजमी। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें उनका। हम अखिलेश जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अबू आसिम आजमी साहब के लिए पूरी एक तफसील, पूरी एक किताब बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत की गूंज में, आपकी तालियों की गूंज में ये निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए, माइक पर आए। जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। आखिरी आदमी तक तालियां बजकर जनाब अबू आसिम आजमी साहब का इस्तकबाल करें। ये तारीखी लम्हा सिर्फ अबू आसिम आजमी साहब के लिए नहीं, बल्कि पूरी बंबई वालों के लिए एक इनाम है समाजवादी पार्टी का। अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, 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 अल्लाह अल्लाह। आज मुंबई में, आज मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी की इस बंद करो जिंदाबाद, थोड़ा देर के लिए प्लीज बंद कर दो आप लोग, अरे खामोश हो जाओ, बोल रहा हूं ना, बात करने दीजिए, समय बहुत कम है। आज मुंबई के अंदर देश को सांप्रदायिकता से बचाओ और देश बनाओ की इस महान रैली में मैं अपने नेता अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से, आज अखिलेश यादव जी मुल्क के किसानों की, मजदूरों की, दबी कुचली लोगों की, खास तौर से मजलूम मुसलमानों की एक उम्मीद की किरण की तरह नजर आ रहे हैं। ऐसे अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। तालियां बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। अखिलेश यादव जी साहब के साथ चलकर आए आदरणीय राजेंद्र चौधरी साहब, पहली बार मुंबई किसी फंक्शन में आए हमारे मोहतरम आजम भाई के बेटे अब्दुल्ला आजम साहब, मेरा सिद्दीकी साहब, रईस शेख साहब, सुभाष पासी साहब, गणेश गुप्ता जी, लल्लन यादव साहब, अजय यादव जी, अब्दुल कादिर चौधरी साहब, रईस शेख साहब, तमाम नगर सेवक, तमाम समाजवादी पार्टी के, महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आए हुए लोग, खास तौर से उत्तर प्रदेश से आए हुए तमाम हमारे मेहमानान, जिनका हम उनकी शायने शान इस्तकबाल नहीं कर सके, हमें इस बात का जरूर अफसोस है। जिनको मंच पर बैठना चाहिए था वो नीचे बैठे हुए हैं, लेट हो गए हम लोग, मैं उनसे माफी चाहता हूं और इन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए दोस्तों आज मैं
अपने दिल की बात अखिलेश यादव जी के सामने रखकर इस देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिक ताकतों को नेस्त नाबूद करने का एक अहद लेना चाहता हूं। इन दिनों हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ भुखमरी, बेरोजगारी, माशी बदहाली और दूसरी तरफ ये इस देश में फिरका परस्त और फासिस्ट ताकतों ने इस देश के संविधान पर खतरा लाहक कर दिया है। इस देश के संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कानून कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं जब किताबों में पढ़ता हूं हम 1947 में नहीं थे जब अंग्रेजों ने इस मुल्क को गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, तो इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरे मुल्क के तमाम साथ तमाम बरादरी तमाम धर्म के लोगों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो आवाज नवाब सिराजुद्दौला की थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज निकालने वालों में नवाब सिराजुद्दौला, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान, हजरत शाह वली मुहद्दिस देहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली सादिकपुरी, अबू जाफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजल हक खैराबादी, शहजादा फिरोज शाह, मौलवी बाकर शहीद, बेगम हजरत महल। नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो कई लाख नाम हैं। कितने नाम लूं जिन्होंने अपने बदन का आखिरी कतरा भी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी बदन का आखिरी कतरा भी निछावर कर दिया। 1857 की जब कदर इस मुल्क में हुई, जब बलिया से मंगल पांडे ने आवाज लगाई, मंगल पांडे की आवाज पर अगर पहला कोई शख्स था जो उनकी आवाज की आवाज में मिला रहा था वो था बहादुर शाह जफर। हिंदू और मुसलमानों की एकता का वो मंजर था इस देश के अंदर। अगर अशफाकुल्ला साहब का नाम आता है तो साथ साथ भगत सिंह का नाम भी आता है। अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो जनरल शहनवाज का भी नाम आता है। लोकमान्य तिलक का नाम आता है तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम भी आता है। मुसलमानों और हिंदुओं की एकता इस देश में ऐसी थी। जब अंग्रेजों ने देखा किस देश में हिंदू और मुसलमान सब एक साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अंग्रेजों ने एक साजिश किया कि बाकी डिवाइड एंड रूल, बांटो इनको। उस जमाने में मुसलमानों की मस्जिदों में सुअर काट कर डाल देते थे और हिंदू भाइयों की मंदिरों में गाय काट कर डाल देते थे। उस जमाने में भी मस्जिदों के पास बैंड बाजा बजाया जाता था। उस जमाने में भी फिरका परस्तों ने सूफी कलर का नाम देकर कहा था कि घर वापसी का नारा दिया था। और वही आज फिर हो रहा है इस देश के अंदर। गोरी चमड़ी वाले चले गए लेकिन आज वो अंग्रेजों की के तलवे चाट कर बैठने वाली आरएसएस आज वही काम कर रही जो अंग्रेज इस देश में कर रहा था। मुझे कहने दीजिए, अगर इस देश की सरहदों पर पाकिस्तान से खतरा है जिससे हमारे जवान पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान और चाइना से लड़ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर उससे ज्यादा खतरा आरएसएस है। आज आरएसएस आज हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है। इनकी अपनी कोर्ट हो गई है, इनकी अपनी पुलिस हो गई है। इस देश में आतंकवाद के लिए सेक्शन 121 से 130 तक संविधान में
सेक्शन बने हुए हैं कि 121 से 130 तक कौन आतंकवादी है वो कोर्ट तय करता है, पुलिस तय करती है, लेकिन आज बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं कौन आतंकवादी है। अगर इनके खिलाफ एक बात कर दो, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल दो, तो कहेंगे ये देशद्रोही है। अगर आज इस देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह, जिसे अहमदाबाद, जिसे गुजरात में घुसने का परमिशन नहीं था, जिसे गुजरात में जाने का परमिशन नहीं था, तरीपाल कर दिया गया था, वो बहुत बड़ा नेता बन रहा है। आज ये लोग जाएंगे मुस्लिम महलों में और कहेंगे बोलो बोलो वंदे मातरम, और कोर्ट कहता है वंदे मातरम बोलना कोई जरूरी नहीं है, जो बोलेगा वो भी ठीक है, जो नहीं बोलेगा वो भी ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, इन आरएसएस के लोगों से, इनके परिवार वालों से, कि तुम मुझे बता दो इस देश में इंकलाब जिंदाबाद का नारा तुम्हारे बाप ने दिया था या मुसलमानों ने दिया था? आज तुम वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हो। कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम जो पढ़े पढ़े, नहीं पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन आज मुस्लिम महल में जाकर एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में भगवा झंडा, तिरंगा झंडा एक हाथ में, एक हाथ में झंडा लेकर के जाकर के मुसलमानों के मुंह में अपनी जुबान डालकर कहते हैं कि मुसलमानों को गाली दे रहे हैं कि मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। याद रखना दोस्तों, जिनको पाकिस्तान जाना था चला गया, वो पाकिस्तान जा, हम बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है हिंदुस्तान में। जो मुसलमान हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। इस देश में भारत छोड़ो का नारा देने वाला आरएसएस का नहीं था, वो मुसलमान था, यूसुफ मेहर अली जिसका नाम था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी तुम क्या दोगे? हमारे पुरखों ने जय हिंद का नारा दिया था जिसका नाम था आबिद हसन साफरानी। तालियां बजाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके गुलसिता हमारा, ये किसने नारा दिया था? अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो भी मुसलमान था। मादरे वतन भारतवर्ष की जय का नारा देने वाला 1857 में अजीम खान था, अजीम उल्लाह खान, वो भी मुसलमान था। अरे एक तो बताओ तुमने क्या किया? तुमने अंग्रेजों के तलवे चाटे और कहा कि जेल की सलाखों से छोड़ दो, हम आकर गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे। तुमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है और आज गद्दी पर बैठ गए हो तो तुम्हारा दिमाग खराब है? झंडे तिरंगे झंडे का रंग किसने दिया? बाला साहब ठाकरे ने दिया क्या? किसने दिया मालूम है आपको? पता है आपको किसने दिया तिरंगे झंडे का ये रंग? वो रंग देने वाली भी सरैया तैयब अली जी तैयब भी थी, वो भी तालियां बजाओ आप लोग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? ये कहने वाले भी बिस्मिल अजीमाबादी थे और आज हमसे कहा जा रहा है इस देश के आप गद्दार हैं। अखिलेश भाई, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं भाई भाई की तरह से। मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करती है, हिंदू लड़कियां मुसलमान से शादी करती है। खुदा की कसम, आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि जाओ किसी हिंदू लड़की को पटा के लाओ, उसको मुसलमान बनाओ, हम इस देश में मुहिम चलाएंगे। आज तक नहीं कहा। अगर दिखा दो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि कोई मुस्लिम संगठन आज हिंदू लड़कियों को ला करके अपनी बहू बना करके धर्म परिवर्तन करने की स्कीम कर रहा है, तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी आज जाने को तैयार हूं। बता दो इंतजार,
लेकिन ये आज खुलेआम कह रहे हैं, एक हिंदू संगठन खुलेआम कह रहा है कि बेटी बचाओ बहू लाओ, हम मुसलमानों की लड़कियों को लाएंगे पटाकर और उनको हिंदू बनाएंगे, उनका धन परिवर्तन करेंगे। और अभी मैं बोल दूंगा तो बेटा कलेजा फट जाएगा, मुझे भी बोलना आता है। आज इस देश में ये हो रहा है, इख़लाक़ को मार दिया गया, जुनेद को मार दिया गया, गौ हत्या के नाम पर कितने लोगों को मारा गया। देश के अंदर आज कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हद तो यह है कि लोया नाम का जज भी मर गया। अगर अमित शाह के ऊपर शक है तो अगर इंसाफ है इस देश के अंदर तो सही सही इंक्वायरी होना चाहिए। मुझे याद है अखिलेश भाई आपकी सरकार थी और एक जाउल हक नाम का एक पुलिस अफसर कहीं प्रतापगढ़ या इलाहाबाद में किसी की गोली से मर गया था। मैं बहुत बारीकी से देख रहा था, उसकी बेवा ने कहा कि जाउल हक को मारने में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार का एक मंत्री जिसका नाम है राजा भैया, वो शामिल है इसके अंदर। क्या बड़ा कलेजा था आपका, मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, मैंने 50 बार बोला है। एक मुसलमान पुलिस अफसर मार दिया गया और उसकी बेवा कहती है कि सीबीआई इंक्वायरी करो, उसकी बेवा कहती है कि राजा भैया इसमें शामिल है। अखिलेश जी ने बुलाया राजा भैया से, कहा कि तुम मंत्री पद छोड़ दो, जाओ अग्नि परीक्षा देकर आओ, अगर तुम शामिल होगे तो तुमको सरकार में नहीं रखा जाएगा। वो हम भूल नहीं सकते। एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा आपसे कह रहा है कि एक अफसर मार दिया गया और आपने पुलिस की इंक्वायरी लगाया, उसकी बेवा ने कहा नहीं, सरकार अखिलेश यादव जी की है और वो राजा भैया एक बाहुबली तगड़ा मजबूत आदमी है, अखिलेश यादव जी की सरकार बेईमानी करेगी। तो अखिलेश यादव जी ने क्या क्या चाहती हो, कहा सीबीआई इंक्वायरी। खुदा की कसम अखिलेश यादव जी ने सीबीआई इंक्वायरी करवाया और उसके बाद यही बात नहीं थमती। अखिलेश यादव जी ने 45 लाख रुपया उसके बेवा को दिया और उसके बाद लोगों ने कहा नहीं, वो औरत पूरा पैसा खा जाएगी, जाऊ लाख के परिवार को माँ बाप को पैसा नहीं मिलेगा। इस आदमी ने 45 लाख रुपया और दिया उसके माँ बाप को। कौन है हिंदुस्तान में, कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार है हिंदुस्तान में, मुझे बता दो। मैं अपने दुश्मनों से पूछता हूँ, जो तुम कीड़े निकालते हो समाजवादी में, आज तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो एक बात बता दो, आजादी से आज तक किसने किया ये, आजादी से आज तक। आजादी से आज तक इस देश के अंदर किसी ने इंसाफ नहीं किया। खुदा की कसम मुझे याद है, मैंने अखबार में पढ़ा था मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयतुल उलमा का बयान, मुझे याद है। कितनी बातें बताऊं, बहुत टाइम चाहिए मुझे। जावेद की बीवी को नौकरी, जो औरत कह रही है अखिलेश यादव तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम पुलिस की इंक्वायरी कराकर राजा भैया को बचाना चाहते हो, सीबीआई इंक्वायरी करवाया, उस औरत को बुलाकर उसको नौकरी दिया, पुलिस की बंदूक दिलाया, उसको सिक्योरिटी दिलाया, पुलिस अफसर बनाया उसको। मुझे याद है अखिलेश भाई, खालिद मुजाहिद का जब इंतकाल हुआ, मैं उस वक्त कहीं विदेश में था, उसके वालिद को मैंने फोन किया, उसके वालिद ने मुझे बहुत गंदी बातें बोली। खुदा की कसम मैं भाग कर आया और मैं लखनऊ की जेल में गया, मैंने जेल के अंदर हकीम तारिक इस्लाही जो उनके साथ जेल में बंद था उससे मैंने पूछा कि तुम बताओ कि खालिद की मौत कैसे हुई। मैं तफसील में नहीं जाता हूं, एक मुसलमान हूं, झूठ बोलूंगा अल्लाह ताला मुझे जहन्नम रसीद कर दे। तारिक हकीम तारिक ने कहा कि आसिम भाई उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, उसकी मौत जो है नेचुरल मौत हुई है, अल्लाह ताला ने उसकी जान लिया, किसी ने जान उसकी नहीं लिया।
बता दो मुंबई वालों, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई, वही साबित हुआ कातिल हजारों बेगुनाहों का जो अक्सर गुफ्तगू के नाम पर छोले उगलता है, मगर इंसाफ की उम्मीद क्या हो ऐसी दुनिया में जहां पर मुजरिमों के हुक्म से कानून चलता है। 2500 लोग मारे गए थे मुंबई के फसाद में, आज तक एक आदमी को सजा नहीं हुई। 2500 के परिवार वाले आज भी चिल्ला रहे हैं, एक को सजा नहीं हुई। 25-30-32-31 पुलिस वालों का नाम था, वो सब आज भी घूम रहे हैं आराम से, उनकी नौकरियां बढ़ गई लेकिन सजाएं नहीं हुई। 257 लोग 12 मार्च के ब्लास्ट में मारे गए थे, दोनों के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन 257 लोग मारे गए, पूरा देश चिल्ला उठा। औरतों को लाकर नंगा करके बर्फ की सिल्ली पर सुलाया गया, बाप से कहा कि बेटी के साथ रेप करो। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से सब देखा है, इंसाफ नहीं है। इसलिए आज आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले हिंद हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे किले सारे सिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। उत्तर प्रदेश में मदरसों में कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि कोई घुस सके, और मैं आज भी कहता हूं अखिलेश भाई, मेरा चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान के सीबीआई को, आरएसएस को, इंटेलिजेंस को, आओ मदरसों में सीसीटीवी लगाओ, मैं पैसे दूंगा। लाओ आरएसएस के सबसे कट्टरपंथी को, एक साल तक मदरसे वाले खाना भी खिलाएंगे, कमरे में रहने की जगह भी देंगे, और जो कुछ मदरसे में होता है सब कुछ टेप करके देख लो। एक साल के बाद कहोगे मदरसों से अच्छी पढ़ाई कहीं नहीं होती। मेरा चैलेंज है, लेकिन आपको शिशु मंदिर में भी जो 2 लाख स्कूल चल रहे हैं शिशु मंदिर के, वहां भी लगाने पड़ेगा सीसीटीवी। तुम क्या सिखाते हो इनको, तुम सिर्फ मुसलमानों की तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हो। कहो जाकर के ये तारीख कैसे भुला सकते हो कि जब आजाद हिंद फौज बनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब फौज बनाई तो उसमें सबसे बड़े ओहदों पर रहने वाले मुसलमान थे, और उस वक्त 1 करोड़ रुपया उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों से लड़ने के लिए देने वाला कोई था तो उसको, वो था मुसलमान, मेमन कौम का था, इसी महाराष्ट्र गुजरात का रहने वाला। ये क्यों नहीं बता दे तारीख के कारी को, तारीख को मिटाने की कोशिश हो रही है आज। मैं कहना चाहता हूँ मुंबई है अखिलेश भाई, इसी मुंबई से अली ब्रादरान ने खिलाफत हाउस में गांधी जी को लाया था। जब हिंदू और मुसलमानों के झगड़े चल रहे थे तो हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए गांधी जी को इसी मुंबई के खिलाफत हाउस में ला करके, और जो मुंबई से मुहिम चलती है ये पूरे देश में तहरीक बन जाती है। मुझे याद है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था, भारत छोड़ो का नारा इसी मुंबई से दिया गया था, और पूरे देश में तहरीक चली थी। आज आप आए हैं, एक नारा दे दीजिए आज कि फिरका परस्तो भारत छोड़ो, फिरका परस्ती बंद करो, ये हमारा नारा दे दीजिए आप आज। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो काम आपने किया वो काम कोई कर नहीं सकता। 5 साल तक जिस ईमानदारी से आपने काम किया वो कोई नहीं कर सकता। मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से, अगर इंसाफ नाम की कोई चीज है, याद रखिए अखिलेश भाई, मुझे बनारस की स्थित नंदन मोदी जी की याद है, आप
آپ نے اگر اس ملک میں رہنے والے غریب مسلمانوں کی قبرستان کے لیے فنڈ دے دیا تھا تو اس نے کہا تھا قبرستان بن رہی ہے اکھلیش یادو کی سرکار میں لیکن شمشان نہیں بن رہا ہے. لیکن اس کو یاد نہیں آیا بنارس کا وہ الہ آباد کا کمبھ میلہ جس میں کئی ہزار کروڑ دے کر کے آپ نے اعظم خان صاحب کے ساتھ جو کمبھ میلے میں کام کیا تھا امریکہ نے بلا کر سواگت کیا تھا. اکھلیش بھائی آپ نے کیا کام کیا؟ یہ بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں, جھوٹے ہیں یہ لوگ. اس نے بنارس میں کہا تھا کہ اکھلیش یادو جی کی سرکار میں مسلمانوں کو رمضان میں بجلی ملتی ہے, دیوالی میں نہیں ملتی. بولے سچ ہے کیا؟ یہ سچ ہے کیا؟ آپ نے غریب مظلوم مسلمان کے بچے بیچارے جو غریب ہیں ان کو آپ نے لیپ ٹاپ دے دیا تھا تو نریندر مودی جی کا کلیجہ پھٹ گیا تھا. کتنے بی جے پی والے جا کر اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے ہارٹ اٹیک کی بیماری میں. ہم دعا کرتے ہیں اکھلیش بھائی, میں ودیش گیا تھا, میں ٹائم شاید زیادہ لے رہا ہوں, میں ودیش گیا تھا. ارے یہ کادے کا بربر, مجھے چائے والے بیٹے سے کوئی نہیں, کوئی اللہ پاک گدے کو دودھ بات کھلائے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن بھائی اگر نہیں آتا دیش چلانا تو اکھلیش جی سے بات کر لیتے, آگے مل لیتے کیسے دیش چلایا جاتا ہے سیکھ جاتے. جا کر بولتے ہو ابھی سوئٹزرلینڈ میں, بولتے ہو کہ مجھے 600 کروڑ لوگوں نے اٹھ دیا. ارے بھیا کچھ پڑھے لکھے ہو کیسے ہی جول دیتے ہو یار, پوری دنیا کی آبادی 6.25 کروڑ ہے, تم کو پوری دنیا نے اٹھ دے دیا؟ یہ حالت ہے دوستو, کچھ نہیں جانتا یہ آدمی. بھائی اور بہنوں مجھے 100 دن دے دو, اس دیش کے اندر ایک ایک آدمی کے کھاتے میں 15-15, 20-20 لاکھ آئے گا. ایک پھوٹی کوڑی نہیں آج تک آئی. نوٹ بندی کا کہہ دیا کہ بھائی اور بہنوں نوٹ بندی کا فائدہ 50 دن میں دیکھ لینا, دیش سے آتنکواد ختم ہو جائے گا, دیش کے اندر خوشحالی آ جائے گی, انکم ٹیکس بڑھ جائے گا, غریبوں کو پیسے ملیں گے. 50 دن کا سارا کئی سال ہو گیا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا. اور اگر نئی خوشحالی آئی نا کسی چوراہے پر لا کر مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ بولو نا, پھنسیا کا پھندوا تیار تھا. 2019 میں ملی تو کے نہ رہے, بانس نہ بجے بانسری, چھٹی کر دو آپ, بہت ہو گیا, بہت سن لیا. یہ ٹھکوسلے بازی نہیں چلے گی اس دیش کے اندر. اس لیے آیا ہوں آپ سے کہنے کے لیے دوستو, خاص طور سے مسلمانوں سے کہتا ہوں, ہمارا مسلمان بیچارا بڑا اچھا ہے, کسی کو ووٹ بینک نہیں بنتا, سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہے اور ووٹ کو دکھا دیتا ہے. ارے مسلمانوں یاد کرو, ذرا سا یاد کرو, کتنی باتیں بتاؤں اکھلیش بھائی کی. نوئیڈا کے اندر ایک مسجد تھی, مسلمانوں نے مسجد کو وہاں کے پردھان سے مانگ کر کے گڈے بھر کر کے دیوار بنا کے باؤنڈری بنایا تھا. ایک افسر تھی, اس نے آ کے باؤنڈری توڑنے کی بات کی. مسلمانوں نے بڑا ہاتھ پیر جوڑا کہ مت توڑو, رمضان کا مہینہ ہے, ہم کو نماز پڑھنے دو. نہیں مانی, توڑ دیا مسجد کی دیوار. اکھلیش بھائی تالی بجاؤ, تالی بجاؤ تم لوگ. یہی اکھلیش بھائی, سونیا گاندھی جی کے پاس گئی وہ عورت, پورے IAS IPS کو جمع کیا اس نے. اکھلیش بھائی نے کہا نہیں, اس نے مسجد کی دیوار کو توڑا ہے, مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے روکا ہے, میں اسے کبھی بھی افسر نہیں بناؤں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, بولو مجھے. میں مسلمان بیچارہ اپنا ووٹ بینک کہیں یہاں دیتا ہے کہیں وہاں دیتا ہے. ہو جاؤ ان انگلیوں کی طرح سے, مٹھی بن جاؤ, مٹھی بن جاؤ اور اکھلیش یادو کے ساتھ. یاد رکھنا فرقہ پرست ہو اس دیش کا مسلمان, اس دیش کے مسلمانوں نے کبھی مسلمان کو نیتا نہیں مانا, اس دیش کے مسلمانوں نے ہمیشہ غیر مسلم ہندوؤں کو اپنا نیتا مانا ہے. آزادی کے بعد جواہر لال نہرو ہمارے نیتا رہے, آزادی کے بعد وی پی سنگھ نیتا رہے, آزادی کے بعد راجیو گاندھی نیتا رہے, اور ہمارے آدرنی ملائم سنگھ یادو نیتا ہے, اور آج ہمارے اکھلیش یادو نیتا ہے. مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ پورے مہاراشٹر سے ایک ایم پی نہیں,
नहीं, पूरे गुजरात से एक एमपी नहीं, पूरे राजस्थान से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, पूरा का पूरा का पूरा मध्य प्रदेश खाली है, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब खाली है, पूरा गोवा खाली है, पूरा मिजोरम खाली है, एक मुसलमान एमपी चुनकर नहीं आता। देश में ये फिरका परस्ती चल रही है। आओ ये तय करो कि हम सब हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह से रहकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं गया था विदेश, एक आदमी जिसका कसम खुदा की राजनीति से कोई लेना नहीं, हफीज भाई जानते हैं, हफीज भाई बोलो मेरी बात को मानना, तुम याद है आपको, मुझे कहा उसने दुबई के अंदर, कासिम भाई मैं टेलीविजन पर देखता हूँ एक शख्स जिसका नाम अखिलेश यादव, आप जानते हो? अरे मतलब मेरे नेता है भाई, मैं जानते हो कि मिलते हो, कह देना मुझे। उसने मुझे कहा अखिलेश भाई से कह देना कि पूरे हिंदुस्तान का सिनेरियो शासक मैं देख रहा हूँ, अखिलेश भाई आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सियासत के मालिक आप होंगे। आपके सामने 30-40 साल है और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अखिलेश यादव के हाथ में है। आप मुंबई आए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। शायद हम आपकी शायर शान आपका इस्तकबाल नहीं कर सके, लेकिन खुदा की हम पलकें बिछाकर आपका सब स्वागत करना चाहते हैं। मैं बहुत आभारी हूं आपका, बहुत आभारी हूं, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता इस बात को, नेताजी ने जो एहसान किया है, बाबरी मस्जिद को टूटने से बचाया नेताजी ने, आज मुकदमा चल रहा है, एक पद्मावती फिल्म सुप्रीम कोर्ट कहती है चलने दो, ये कहते हम नहीं चलने देंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना, हमारे आस्था का सवाल है। मुझे बोलो इंसाफ पसंद हो कि जब कल बाबरी मस्जिद का फैसला होगा और अल्लाह ने चाहा 500 साल की मस्जिद, मंदिर भी बन सकती है, मस्जिद भी बन सकती है, दोनों फैसला हो सकता है ना, फैसला तो कुछ भी हो सकता है। अगर मंदिर का फैसला आया तो मुसलमान कहता है कि हम पूरी ईमानदारी से उस मंदिर का स्वागत करेंगे, बनाओ मंदिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूरे हिंदुस्तान का कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमान कहता है, समाजवादी पार्टी के पूरे लीडर कहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया हम मानेंगे। एक फिल्म पद्मावती आई, ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो अगर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि मस्जिद बना तो क्या होगा, कौन बचाएगा उसको? योगी, गुंडा आदमी, जितने केसेस थे विथड्रॉ किए जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर के गुंडों पर जो केसेस किए थे विथड्रॉ किए जा रहे हैं, सारे गुंडों को पूरी छूट दी जा रही है, लाकर बिठा दो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की गति पर समाजवादी पार्टी को। मेरे नेता ने अनमोल अनमोल खजाना दिया अखिलेश यादव की शक्ल में, अनमोल खजाना दिया, एक दिलदार नेता दिया है, और अखिलेश यादव की अगर सरकार बन गई ना तो इस देश में हिंदू और मुसलमान बदन के जिस्म में दो आंखों की तरह होंगे, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो ये देश बदसूरत हो जाएगा। नारा लगाओ अखिलेश यादव जिंदाबाद, दोनों हाथ उठाकर लगाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव हल्ला बोल, पूरे देश में हल्ला बोल, फिरका परस्तों पर हल्ला बोल। अरे अभी तो ये आंगन आई है, अभी तो ये आंगन आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।